Hi guys, welcome to the new vlog. So today is the first day of my office, which is 24th of August. So चलो चलते ऑफिस एंड फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस का ब्लॉग देखते हैं. ठीक है, फाइनली मेरा पहला जॉब स्टार्ट हो रहा है. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. स्टार्टिंग दिस व्लॉग विल बी अबाउट माई फर्स्ट डे जॉब एक्सपीरियंस ऑफ माई फर्स्ट जॉब. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा. ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन एंड एनर्जेटिक आप फील करोगे. एंड एक बार कमेंट कर देना कैसा लगा ये एक्सपीरियंस व्लॉग का. आई मीन एंड अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए ऑफिस रिलेटेड एंड एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली कमेंट ऑन माई यूट्यूब. बाकी बिफोर दैट, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2024 एंड अगर आप कोचिंग ढूंढ रहे हो, देयर इज अ वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज कॉल्ड फिजिक्स वाला. उनका सिर्फ एक साल हुआ है मार्केट में आया, बट उनका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग है. फॉर एग्जांपल अगर आप उनका कैट 2023 का रिजल्ट देखोगे, तो मोर देन 77 स्टूडेंट्स हैव स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल एंड 135 स्टूडेंट्स हैव स्कोर 98 प्लस परसेंटाइल. तो काफी अमेजिंग रिजल्ट ला रहे हैं विद इन जस्ट वन ईयर. सो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट दिस ग्रेट कोचिंग इंस्टीट्यूट. एक बार आप उनका फ्री कोचिंग एक बार देख सकते हो यूट्यूब में, आप बहुत सारे अच्छे फ्री कॉन्टेंट अवेलेबल है. साथ ही साथ फिजिक्स वाला बहुत ही अमेजिंग ऑफर लेके आया, विच इज बसंत उत्सव स्प्रिंग बोनेंस ऑफर, जो वैलिड है 14 फेब से लेके 18 फेब तक, जहां पे आपको दो बैचेस मिलेंगे, एमबीए पाइनियर एंड एमबीए पाइनियर प्रो. एमबीए पाइनियर विल बी अवेलेबल जस्ट एट 6999 एंड एमबीए पाइनियर प्रो विल बी अवेलेबल एट जस्ट 12999. आई मीन सच एन अमेजिंग एंड अफोर्डेबल प्राइस फॉर ईच एंड एवरी कैट एस्पिरेंट. सो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट दिस ग्रेट कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट. इनका फ्री कंटेंट देखो, इनमें बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स मिल रहे हैं. ऑल्सो इफ यू यूज माई कोड AN500 यू विल गेट एडिशनल 500 का डिस्काउंट. सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड एंजॉय द वीडियो. सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब हाउ आई वेंट टू माई ऑफिस, व्हाट वॉज दैट आई हैड ऑन दैट डे एंड वो एक्साइटमेंट. वो मतलब पहला दिन का एक्साइटमेंट बहुत ही अलग होता है, बिकॉज आप उस चीज के लिए बचपन से मेहनत कर रहे हो. आपने KG1 पढ़ा, आपने फिर 10th किया, मतलब KG1 से 10th किया, देन 10th से 12th, देन कॉलेज UG, देन पोस्ट ग्रेड किया, उसके बाद फाइनली एक जॉब लगती है इंसान को. आई मीन 19 साल लग गए मेरे को एक जॉब लेने में, 19 साल का पढ़ाई किया उसके बाद एक जॉब मिला है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर मी विच एवर इज माई फर्स्ट जॉब. सो नाउ आई गेस सिंस आई हैव अपलोडेड माई प्लेसमेंट ब्लॉग, सो यू नो दैट आई वॉज प्लेस्ड इन HDFC फ्रॉम माई कैंपस. And the role that I have, which I have not discussed in my placement book, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा. And कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मैंने खाया वहाँ पे, कैंटीन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है HDFC का. सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट माई रोल, सो माई रोल इज रिलेशनशिप मैनेजर इन एमर्जिंग कॉर्पोरेट ग्रुप. सो इसको ECG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ होलसेल बैंकिंग ग्रुप. एंड आपको अगर पता होगा तो बैंकिंग बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लाइक रिटेल हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट ग्रुप हो गया, आई मीन होलसेल ग्रुप हो गया. सो दैट इज विच आई एम अ पार्ट ऑफ. आई एम अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट, आई मीन इन द ECG विच इज एमर्जिंग कॉर्पोरेट ग्रुप, विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ होलसेल. बेसिकली इसमें क्या काम होता है, तो इसमें ये काम होता है कि वी ट्राई टू हैंडल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 250 टू 1500 करोड़. सो जिनका भी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर होता है और 1500 करोड़ के बीच तक होता है, तो उनको हम लोग एमर्जिंग कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर कह सकते हैं कि वो होता है. एंड वी ट्राई टू मैनेज दोज पर्टिकुलर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. एंड हाउ डू वी हैंडल देम, सो बेसिकली वी ट्राई टू प्रोवाइड अवर बैंकिंग फैसिलिटी, जो बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं हमारी टर्म्स में, विच इज बेसिकली अ लोन, आई मीन इन लेमेंस वर्ड. सो पहला दिन मैं गया 9:30, हमारा ऑफिशियल टाइम है 9:30 से 5:30 का, जिसमें हमें एक घंटे का लंच ब्रेक भी मिलता है 1 से 2 के बीच. तो पहला दिन गया तो सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑफिस सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मतलब इट इज़ एक्चुअली कंपेरेबल टू वॉट IT कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव. पीछे
काफी अच्छा लगता है, मतलब काफी बढ़िया, मतलब सिंस दिस इज अ वेरी न्यू ऑफिस, दिस वाज बिल्ट इन अप्रैल 2023, तो एक साल भी नहीं हुआ इस पर्टिकुलर ब्रांच को, आई मीन कॉर्पोरेट ऑफिस को, तो दैट्स व्हाई दे हैव बिल्ट इन सच अ वेरी ब्यूटीफुल वे, काफी मतलब यू गाइस कैन फिगर इट आउट फ्रॉम माय रील्स इटसेल्फ, अगर आप फॉलो कर रहे हो इंस्टा पे, तो नहीं करो तो कर लेना। तो ये था साइन, मुझे पहुंचा फटाफट, बाकी लोगों से मिला, नए लोगों से, एंड मेरे भी कैंपस के काफी लोग, काफी बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे, तो उनके साथ मिला और काफी अच्छा लगा। यूज टू शेयर अवर द एक्सपीरियंस व्हाट ही हैड इन द कॉलेज, फिर काफी जो भी कलीग्स है उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ कि क्या आपने मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, व्हाट इज एक्चुअल काइंड ऑफ वर्क दैट विल बी हैंडलिंग ऑन। तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला कि यार आप उन क्लाइंट को हैंडल करो जो काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग टू मीट द प्रोमोटर्स, यू आर गेटिंग टू मीट द सीईओ एंड डायरेक्टर, तो काफी अच्छा लगता है कि आप उन लेवल के लोगों के साथ उनका विजन जो है, जहाँ से वो जीरो से 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ एंड 1000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर चुके हैं, तो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन के बारे में पता चले, नॉट जस्ट अबाउट योर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड द फाइनेंस, एट द सेम टाइम यू हैव एन एक्सपोजर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द अदर कंपनीज। ठीक है, आप उनके प्लांट विजिट में जा रहे हो, आप सीख रहे हो वहाँ पे कि कैसे एक प्रोडक्ट बन रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वहाँ से बन के प्रोडक्ट तैयार होके पैकेजिंग होके फिर उसको एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट जहाँ पे भी हो रहा है, सो ये सारी चीज़ आपको प्लान विजिट में सीखने को मिल रही है। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो, मतलब बिकॉज यू आर गेटिंग टू एनालाइज ऑल द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स। तो एक क्लाइंट तो है नहीं यार, मतलब 100-200-300 क्लाइंट होते हैं हर एक टीम लीडर के अंदर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। एंड अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली डू MBA, एंड इफ पॉसिबल आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प इन एनी काइंड। तो अगर आप कैट 24 अच्छे से तैयारी करोगे, डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी सेटिंग इन ए वेरी गुड कॉलेज, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होगा, एंड देन यू विल बी सेटिंग इन समथिंग लाइक दिस। तो और क्या, बाकी खाना ठीक था, खाना बहुत अच्छा था, 102 जो लंच हुआ था, मैंने तो 2 महीने के लिए सिर्फ कैंटीन में खाना खाया, बिकॉज हमारे मतलब जो मैं फ्लैट में रहता था उस समय, आई मीन सेम फ्लैट है बट उस समय मीटिंग मिल रही थी, तो 2 महीने के लिए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का ही लंच किया था, लंच एंड ब्रेकफास्ट मेरे ऑफिस में होता था, रात में आके फिर हम लोग एज अ ग्रुप वी यूज टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम स्विगी और जोमेटो, तो वहाँ से हम लोग 2 महीने काटे, फिर नाउ वी हैव अ मेड, तो शी कुक्स वेरी वेल, आई मीन आई एम एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ हर कुकिंग स्किल, मतलब काफ़ी अच्छा रूम लेने में, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, शी एक्चुअली शी इज सच अ मोटिवेटेड पर्सन, आई मीन वेन एवर आई सी हर शी इज फुल ऑफ जॉली पर्सन एंड काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो फीलिंग जेलस फॉर द हैविंग दिस गुड मेड। एंड यहाँ फिर 5:30 को वापस, 5:30-6:30 के अराउंड आप जनरली वापस आ जाते हो, 6:30 समटाइम्स ना हो, इट इज डिफरेंट, ऑब्वियसली काम बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ती है, तो इट चेंजेस, बट यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर कलीग्स, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है 10 साल 5 साल, सो दे हैव डन एवरीथिंग, सो या काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे का, एंड आई विल बी गेटिंग कन्फर्मेशन द नेक्स्ट 10 डेज, तो 6 महीने होने वाले, माई प्रोविजन पीरियड विल बी ओवर, देन आई विल बी एन ऑफिशियल मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, फुल फ्लेज्ड परमानेंट एम्प्लॉय, सो या जस्ट वर्क हार्ड एंड एन्जॉय द वीडियो, एंड कोई भी अगर सपोर्ट के लिए आई डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल द बेस्ट कैन आई कैन डू, बाकी कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्प्रेडिंग योर लव, लाइक शेयर कमेंट कर देना यार, एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वीडियो अच्छे से एन्जॉय करो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई डेफिनेटली लव टू कमेंट इन द रिप्लाई, आई मीन रिप्लाई इन द कमेंट, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय, सी यू, एन्जॉय।